पानी तो उतना क्लियर है नहीं, लेकिन यहाँ नहाने की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि सबको गुड मॉर्निंग। और हम तो जाग गए थे 8 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे ही बोल सकते, और अभी 9:30 बज रहे। 8 बजे जगते हम लोगों को चाय दिया गया था, चाय एक टोस्ट। अभी हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में शायद कचौड़ी ऐसा कुछ है। और ब्रेकफास्ट करके आज थोड़ा सा मेघला मेघला है, सूरज की तो कोई आता पता है नहीं। ब्रेकफास्ट करके हम जाने वाले बीच के किनारे, तब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बीच तो बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को जाके दिखाई दूंगा। ये रहा सुबह की ब्रेकफास्ट, लूची और साथ में मटर आलू की सब्जी, घुघनी और एक मिठाई, मेरा हमेशा की तरह। तो चलो ब्रेकफास्ट किया जाए, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। तो हम लोगों का तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी बज रहे 11:15, तो 11:15 हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं बीच के साइड पे, बीच में। और हम लोगों का होटल इस साइड है, रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट से एकदम सीधा बीच है, एकदम सीधा। कल रात आप लोगों को क्लियर दिखा नहीं होगा, तो अभी आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाऊंगा कि बीच जाने की जो रास्ता है वो पूरा जंगल के बीच से होते हुए जाता है, तो बहुत खूबसूरत लगे। अरे बाबू गिर गया हो, हेल्प करो। लड़के से लड़के का साइकिल ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी लड़का तो जाओ जाओ जाओ। बचपन में हम भी ऐसे बीच में पैर घुसा के साइकिल चलाते थे, अभी ये तो इतना लंबा हो चुका है कि बीच में पैर घुसाएंगे तो पैर ही टूट जाएगा। देखो बीच जाने की रास्ता ऐसा है, पूरा दो साइड में जंगल और बीच में ऐसा। हाँ साइड में चल फोटो खींचने का, फॉग तो बहुत है और धूप नहीं है ना, इसलिए ठंड थोड़ा सा लग रहा है। हाँ इधर बहुत बढ़िया फोटो है, आई लव दुबलागढ़ी। पढ़ने में दुबलागढ़ी, ये बागा बीच बोल रहा हूँ, बागदा बीच, इसको बागदा बीच भी बोला जाता है। एक ही बीच है, अलग कोई बीच है नहीं, एक ही बीच है। और ये लोग तो कल गए थे, तो इन लोग बोल रहा था कि बहुत खूबसूरत है बीच, तो अभी हम जाके देखते हैं। इधर का बाली बहुत ढीला है, पैर रखते ही पैर घुस जाता है थोड़ा सा। वो सब ठीक है, जंगल भी बढ़िया है, एक्सप्लोर करना है किसी को तो आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। क्या लग रहा है हम लोग उतना पता है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है सामने पूरा, देखो जंगल भैया खूबसूरत है, पिकनिक स्पॉट है, बहुत खूबसूरत। और मेरा वही नोटिस है कि पिकनिक में आ रहे हो, घूमने आ रहे हो दोस्तों के साथ, ये कचड़ा ये जितना सब है ये खा रहे हैं ये लोग, इनको तो मैं गाली दूंगा अगर फेंका, ये फेंकता भी नहीं है ऐसे। मेरे साथ घूमते घूमते हो गया, इधर उधर फेंकता नहीं। लेकिन जो लोग पिकनिक पे आते हो इधर उतना कचड़ा मत करो भाई प्लीज़, क्योंकि इतना कचड़ा करोगे फिर वो साफ करने के पैसा आप लोगों से ही लिया जाएगा। लेकिन फिर भी पिकनिक स्पॉट बहुत खूबसूरत है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, जंगल भी बहुत खूबसूरत है। वो देखो पिकनिक करने के लोग भी आए हुआ है, पिकनिक करके खाना वाना खा के इधर ही प्लेट प्लेट। शेर देखो, शेर हुआ सब, शेर शेर हुआ देखो, हाँ देख ले देख ले, बिल्ली बिल्ली मौसी, शेर का मौसी। उधर आग क्यों लगा हुआ है बे, पिकनिक पार्टी चल रहा है, बॉनफायर बॉनफायर। ओके इधर पिकनिक स्पॉट बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों के घर से थोड़ा ज़्यादा ही दूर है, इसलिए हम लोग तो नहीं आ सकते पिकनिक के लिए ना। तो कहा दूर बोले से फोटो फोटो दूंगा। तो कचरा जलाया जा रहा है, इतना कचरा करते हैं अभी कचरा जलाया जा रहा है इधर। तो चलो बीच के साइड चलते और फिर आप लोगों से बात करते। ये देखो जंगल से निकलते ही बीच, इन लोगों तो बहुत खूबसूरत लगा था बीच। अभी आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है बीच में। लोग अच्छा खासा है, बहुत बड़ा बीच है, और अभी बीच में आके थोड़ा सा धूप लग रहा है मेरे को। ये क्या कर रहा है बे, धूप तो उस धूप वाला पूरे दूजी भाई, ये वाला पूरे दूजी वाली मत कर मत कर, चल चल हाँ सनमत लेने दो उसको, उसको तो डिस्टर्ब मत कर। बीच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और खूबसूरत भी लग रहा है। यही मैं बोल रहा था कि जंगल ख़त्म होते एक लाइन में, देखो जंगल कैसे ख़त्म हो चुका है,
और ख़त्म होता ही बीच समुंदर की स्टार्टिंग। ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, अच्छा खासा लोग है, एकदम खाली भी नहीं है, और समुंदर की साउंड आप लोगों तक आ ही रहा होगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी इन लोगों का थोड़ा सा फोटो सेशन कर देता हूँ, क्योंकि कल रात से शाम को ये लोग आया था, बीच में मैं नहीं आया था, और ये लोग आते ही घर रूम में वापस जाते ही मेरे को बोल रहे हैं भाई कल जाना है, पहले फ़ोटो लेना है, उसके बाद जो भी करना है तेरे को करना। तो मैंने बोला ठीक है चल, इन लोगों का कहीं पे भी मैं उतना फ़ोटो खींच के देता नहीं हूँ, बोलता खुद खींच ले, तो आज इन लोगों का फ़ोटो खींच देंगे हम लोग। तो चलो इस खूबसूरत बीच, इधर एक ड्रोन होता ना बहुत खूबसूरत व्यू होता है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत एक ड्रोन होता तो बहुत खूबसूरत था। आज थोड़ा सा धूप होना चाहिए था, धूप एकदम है ही नहीं, और दूर दूर तक बहुत बड़ा बीच है, आप लोगों को कैसे दिखाओ जूम करके भी, बहुत दूर दूर तक लोग है। हाँ पूरा हाथी का फॉन्ट फेस लग रहा है पूरा। अभी चल चल फोटो खींचना है किसको, इसको फोटो खींचा ऐसे बीच बहुत खूबसूरत है। हाँ। ऐसा तो बोल सकते हैं गोवा के बाद में बहुत बढ़िया बीच है, बोला था गोवा के बाद ये बीच बहुत बढ़िया लगा मेरे को। हम लोग के घर से थोड़ा सा दूर है यार, आने के लिए जो फैसिलिटी है वो उतना अच्छा है नहीं हम लोग के घर से, तो इसलिए यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइट है बीच यहाँ पर, टाइट है क्योंकि लोकल गाड़ी बहुत कम होता है, बहुत कम। चलो फोटो खींचना है किसको, इसको इसको इन लोगों को फोटो खींचा देते हैं, जाओ जाओ कूदो 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 जाओ, झगड़ा नहीं करने का बिड़ू। पानी तो उतना क्लियर है नहीं, लेकिन यहाँ नहाने की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि पानी उतना तेज भी नहीं है, शांत है थोड़ा सा, लेकिन इधर कहीं कहीं पे चोरा वाली है, तो आप अगर पानी में आ रहे हैं तो थोड़ा सा देख के आइए, मगर मैं समुंदर में नहीं होता भे, पकड़ के लेके तो कहीं कहीं पे ज़्यादा दूर मत जाइए आप अगर आ रहे हैं तो, चोरा वाली की वजह से आप फंस सकते हैं, तो इन लोगों की भी यही तक रेस्ट्रिक्शन है। उधर पानी कितना है दिखा जरा, पानी कितना है दिखा, हाँ ओ यो उतना पानी है उधर, तो इससे ज़्यादा आप ना जाए तो ही अच्छा है, पानी ठंडे बहुत। पैंट भी गया मेरा, मेरे को पैंट भी गया, नॉट इंटरेस्टेड, उतना देर जाऊंगा तो पैंट भी जाएगा तू ऊपर, नहीं नहीं उधर लहरों की वजह से मेरा पैंट भी जाएगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को जाना ही नहीं, तेरे को अगर फोटो खींचना है तो इधर आ, अरे तू पानी में रहे, मेरे को उससे कुछ मतलब है ही नहीं, तेरे को अगर फोटो खींचना है तो इधर आ, अरे पैंट भीग जाएगा मेरा, तो रुको फोटो खींचा लेता हूँ पहले।
ओ, इन लोगों का नहाना कंप्लीट हो चुका है हम अभी वापस जा रहे हैं। ढाई घंटे से नहा रहा था, तैर रहे थे, नहा रहे थे ढाई घंटे से। तू 11 बजे उतरा था, अभी 1:20 हो गया। तो गाना सुन रहे थे हम, बोरिंग उतना हो नहीं रहा था। तो अभी तो अच्छा खासा लोग बीच में भी हो चुका है, और पिकनिक स्पॉट में भी अच्छा खासा लोग आ चुका है। हम लोग 11 बजे 11:10:20 पे आ रहे जब जा रहे थे, उतना देखो इतना अभी तो लोग पूरा भर चुका है। बीच के ऊपर तो बाइक लेके घूम रहा है, फोर व्हीलर लेके घूम रहा है, कोई बात नहीं, इधर आओ बीच के ऊपर जो चाहे वो करो। और अभी चलते वापस। नहाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम दोनों का, नंगा मुंगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद सबसे ज्यादा यहीं पे नहाए हो अभी तक। नहीं। तो कहाँ पे? अच्छा, तो अभी रूम में वापस चलते हैं। और ऐसे भी अभी नहा के लंच के भी टाइम हो चुका है, और इन लोगों का पिकनिक तो बड़ा सही चल रहा है। खूबसूरत जगह है, पिकनिक स्पॉट के लिए भी, घूमने के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। अलग से पार्किंग दिया हुआ है, आप गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकते हो। अगर पिकनिक करना चाहते हो तो आराम से यहाँ पर आ सकते हो, पिकनिक कर सकते हो। कोई इधर पिकनिक के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, फ्री स्पॉट है पिकनिक के लिए। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वापस चलते हैं, और देखते हैं चल के क्या होता है। इन दोनों का फिर से झगड़ा चालू। जा रहा था बिंदास, आकाश का पीछे से बाली फेंक के मारा प्रदीप ने, तो अभी झगड़ा चल रहा है दोनों का। बाली लेके लड़ाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसका पीठ देखना, पूरा पीठ बाली से, वैसे पूरा जामा उतना पहना नहीं था तो बाली से पूरा उसको गंदा कर दिया। अब रूम में जाकर रूम गंदा करेगा दोनों को, दोनों साला हाथी बच्चा हाथी भागते हुए पीछे गंडर, दोनों हाथी गंडर भागते हुए गया, पूरा गया, उसका काम खत्म। अभी क्या बाली से नहाएगा उसको? क्या कर रहा है, शावर बना दिया बाली का, पूरा पूरा शावर बना दिया तूने बाली का। सुन, बाहर से वो बाहर जो स्विमिंग पूल है उससे नहा के अंदर जाना, ऐसे अगर अंदर घुसा, दोनों के दोनों को बोल रहा, ऐसे अगर अंदर घुसा ना, बाहर क्या है, बाहर जो स्विमिंग पूल था, प्राइवेट स्विमिंग पूल ही था, उस वो पे नहा के अंदर जाना, नहीं तो दोनों का काम खत्म कर देंगे। दोनों बाली से क्या कर रहा है, ऐसे खेल रहे हो जैसे कि बाली तुम्हारा खाना है। दोनों का हालत इतना खराब हो चुका है, बाली से कर, आगे लड़की जा रहा है, अभी क्या करेगा? लग रहा है दोनों मार का क्या कैसे इतना पेला गया इनको, इतना पेला गया कि कितना पेला गया क्या बताऊं। तो ये आ चुका है मेरा भेज में कल की तरफ, दाल और ये सब्जी चेंज हुआ, बंधागोभी का कुछ सब्जी है और चिली पनीर। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम चिली पनीर मेरे को, मैं टेस्ट करने वाला हूँ। चिली पनीर खाया तूने पहले? हाँ, मेरे को याद नहीं मैं खाया कि नहीं। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए इसको, इसका शुरुआत किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं।
हम लोग का खाना हो चुका है कंप्लीट। खाना बढ़िया था, मेरे लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम चिली पनीर खाया हूँ, तो एक्सपीरियंस समझ ही सकते हो आप लोग, लाइफ में फर्स्ट टाइम है तो कैसा होगा। ऐसे घर का कमरा खुला हुआ है, एपिया का ही बैठते, तो आप लोग समझ सकते हो कि फर्स्ट टाइम चिली पनीर का आप लोग अगर खाए हो तो कैसा टेस्ट होता है। मेरे को उतना तो आइडिया है नहीं कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि शायद ऐसा ही होता है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, हो सकता है ऐसा कुछ भी। अरे उनको उनका खाना अलग था, उनका खाना एक भेटकी माछ का, भेटकी या पबदा था, क्या था तेरे मछली में, क्या था, पबदा था भेटकी था, पॉम्पलेट की झाल था, और चिंगड़ी गोलदा चिंगड़ी का मलाई करी। फिर तू बोल दे जे खाने का रिव्यू दे। खाना अच्छा ही था, खराब नहीं था। दाल में थोड़ा प्याज दिया था, थोड़ा फ्लेवर चेंज हुआ था, अच्छा खाया था। उस बार क्या खाया भाई, बादा कभी का तरकारी था, अच्छा वो था ठीक ठाक खाने के जैसा। और उसके बाद क्या था, गोलदा चिंगड़ी उसका मलाई करी खा लिया। पॉम्पलेट में गलती से बोला हमको बाबरजी, बोला उनके हाथ से उनके हाथों से हल्दी का डिब्बा गिर गया था गलती से, ऐसे होता है। लास्ट में पापड़ दिया और पेपे का पपाया का हलवा, पपाया का हलवा चटनी, हलवा चटनी कुछ भी हो, कुछ भी वो सॉलिड था भाई, एकदम सॉलिड। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया था। तो खाना ओवरऑल बढ़िया था, अच्छा खाना पेट भर के खाया, बस यही बोल सकता हूँ। और अभी तो शाम की, शायद शाम भी नहीं हुआ, दोपहर 3 बज रहे, अभी 1 घंटा के आसपास रेस्ट लेंगे, उसके बाद बीच के किनारे चलेंगे, शाम की एम्बियंस देखेंगे कि शाम के कितना लोग आता है क्या, क्योंकि इधर जितने भी रिजॉर्ट है ना आधे से ज़्यादा भरा हुआ है पूरा लोगों से, तो शाम को जाके देखेंगे। अभी मेरे को एक समझ में नहीं आता कि लोगों से आधे का ज़्यादा ज़्यादातर रिजॉर्ट भरा हुआ है, तो मेरे को बताओ कि ये लोग बीच में आता क्यों नहीं है, क्या करता है, करो कमरे में बैठ के। अगर कमरे में ही बैठना है तो घर पे रहो ना, क्यों आ रहे हो बीच की साइड, किनारे के साइड, या पहाड़ पे जाओ, बीच के साइड पे रिजॉर्ट पे आ रहे हो तो बीच में जाओ, क्या बोलूँ इनको। तो चलो अभी 1 घंटे के आसपास रेस्ट लेते ले लेते हैं, उसके बाद कुछ तो करेंगे। तो अभी बज रहे 4:30 और हम लोग जा रहे हैं बीच के किनारे फिर से, और हम जाके हम लोग का तीसरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सो रहा है। खाना वाना खा के बोला कि भाई 1 घंटा रेस्ट ले लेते हैं, उसको बोला कि तू मत सो, तू अगर सो गए तो तेरे को उठाना नामुमकिन है। और बोला नहीं नहीं तू उठ जाएगा, मेरे को एक बार बुलाएगा मैं उठ जाऊंगा। मैं तो उठ गया एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि मेरे को बाहर आना था, मैं एग्जैक्ट टाइम पे उठ गया, उठ के उसको बुला रहा हूँ, वो कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको बोला छोड़ उसको, हम दोनों चल लेते हैं यहाँ से, उसको छोड़ते और उसको छोड़ के चले। अभी जा रहे हैं पीछे के ना, अगर उठ के आया तो आया, नहीं आया तो ऐसे सोता रहेगा, कल सुबह देखेंगे उसको। ये देखो जंगल का मेन व्यू, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो हमने सोचा जंगल के अंदर से थोड़ा सा घूम फिर लेते। चल इधर से चल, सामने रास्ता है कि नहीं वो भी पता नहीं, वो सामने बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है, उधर तो ये है ना रिसोर्ट है। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी इधर से चलते पूरा बीच के किनारे तक। ये देखो जो मैं बोल रहा था, खाता है खाते पीने के बाद यही कचरा करके चला जाता है, यही लोग पिकनिक पे आते हैं और खाने पीने के बाद इधर ही कचरा 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 करके चला जाता है।
तो बीच तो अभी खाली है और पानी बहुत नीचे जा चुका है, बहुत नीचे। और उतना लोग भी नहीं है बीच में। हम सोच रहे हैं कि एक लकड़ी बकड़ी ढूंढ के बीच के साइड पे आग लगा के बैठा जाए। उसके लिए लकड़ी ढूंढना मांगता पहले, तो चलो पहले लकड़ी ढूंढते और आग लगाते, उसके बाद थोड़ा सा बैठते, फिर तो मजा ही मजा। देखो सीन कुछ ऐसा है, हम लकड़ी तोड़ने क्या गए, मेरा हाथ दो जगह से गया, ये देखो इधर से ये पूरा खबला उड़ गया इधर से। अभी तो थूक लगा के रखा हो तो उतना देखा नहीं। इसके हाथ देखा, हाथ दिया काटा घुसा, इधर काटा घुसा, पैर में घुसा, काट पिपड़े ने काट दिया, मेरे इधर भी एक काट पिपड़े ने काटा, दिल जला और एक इधर। अभी इतना जल्ला है ना क्या बोलूं। चलो लकड़ी तो जुगाड़ हो चुका है, अभी इसको जलाएंगे। लेकिन ये लकड़ी का क्या है ना, जल्दी जल के ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हवा भी चल रहा है बहुत। तो अभी ढूंढेंगे एक मोटा कोई लकड़ी मिल जाए तो बहुत। हाँ अभी ढूंढेंगे एक मोटा काट की जो क्या बोलते हैं उसको, कोई डाल वाल मिल जाए, मोटा डाल बहुत देर तक जल के रहे, वो ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा अभी। तो वैसा कोई ढूंढते, अभी वो नहीं टूटेगा तुमसे वो नहीं टूटेगा। वैसे अभी शाम हो चुका है, लेकिन वो देखो बाइक लेके पूरा समुंदर में उतर चुका है, अभी क्या ही बोल सकते इनको। और अभी देख रहा था कि वो फोर क्या बोलते हैं उसको, फोर चक्का चार चक्का वाला जो बीच में चलाता है ना, उसको हमको भी नाम बोल देना, सैंड में चलाने वाला बाइक होता है। हाँ सैंड में चलाने वाला चार चक्का वाला जो बाइक होता है ना, बीच में चलाता है, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। इधर शायद रेंट में मिलता है, और पिकनिक वाला तो अलग ही गाना चल रहा है उनका, तो उनको मजा करने देता, माग लगाते तब तक रुक जाओ लकड़ी ढूंढते तब तक। बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम थोड़ा सा आग लगा पाए इधर, क्योंकि एक ही डेस्लाई लेके आए थे और एक ही डेस्लाई से आग लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम बहुत ही कोशिशों की बात, बहुत स्ट्रगल की बात, एक घंटे के आसपास लग गए हम लोगों को सिर्फ इतना सा आग लगाने को। और ये बड़ा सा लकड़ी आप देख सकते हो, इस पूरा लकड़ी को नहीं जलाने वाले, इसका आगे का हिस्सा थोड़ा सा जला देंगे, अगर जल जाए तो, अगर नहीं जले तो क्या ही कर सकते। बाकी लकड़ी तो है इधर उधर, उससे ही काम चला लेंगे। और हमारा तीसरा गधा अभी तक आया नहीं, वो आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो चलो आग की मजा लेते हैं समंदर की व्यू के साथ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस समंदर की व्यू के साथ, इस आग की मजा लेते हैं। देखो इधर स्ट्रगल चल रहा है बाइक लेके स्ट्रगल उठ गया, चढ़ गया। तो आग लगा के आग का मज़ा तो ले चुके हम, और लकड़ी नहीं था इसलिए ख़त्म हो गया आग, कहला भी पूरा जल कर आग हो गया। और वो बड़ा लकड़ी जो था वो जला ही नहीं, बहुत ट्राई किया लेकिन जला ही नहीं, इसलिए अभी क्या ही कर सकते। तो अभी बीच में थोड़ा बहुत लोग है, अंदर की वजह से आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो मून लाइट होता है उसके वजह से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे बीच में, बीच का ना रात को घूम के मज़ा ही अलग है। रुको देखता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकता हूँ कि नहीं रात का बीच, एक फ़ोटो ले लिया, अगर हो सके तो फ़ोटो दे दूंगा मैं, वो इसे देख लेना कि बीच रात को कैसा लगता है, खूबसूरत तो बहुत लग रहा है। तो चलो अभी टुक टुक करके रूम की तरफ वापस चलते हैं, और हमारा तीन तिगड़ा तो आया नहीं, हम दो तिगड़ा चलते हैं वापस। सबको राम राम। पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि कल रात को बीच में था, अब स्टेशन के बाहर क्या कर रहा हूँ, तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब था कल शाम से ही, तो ब्लॉग नहीं कर पाया, सो गया था। और अभी स्टेशन पे डायरेक्ट मेरे हम लोगों का ट्रेन है, तीन बजे तक हम लोग, अभी तो एक बज रहे, डेढ़ बज रहे, और ट्रेन शायद डिले है, आधा घंटा डिले है। तो हम लोगों के पास टिकट तो है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का ट्रेन है। तो इस ब्लॉक को शालीमार स्टेशन तक हम जाने वाले हैं, शालीमार स्टेशन पे ही इस ब्लॉक को हम एंड कर देंगे। तो चलो अभी के लिए टाटा, आप लोगों को कोलकाता जाके मिलता हूँ। तो गुड इवनिंग सबको, और हम तो पहुँच चुके शालीमार स्टेशन के बाहर, अभी कोलकाता में एंट्री कर चुके हैं।
तो चलिए, आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो आप लोग, आपके लिए इतना इससे अच्छा ब्लॉग और भी क्वालिटी अच्छा वाला लाने की कोशिश में करता रहूँगा अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो चलिए, सबको राम राम, जय सीताराम, टाटा।